आजकल तो ठीक है अपना, वो राजस्थान के वोटिंग विभाग से चल रहा था, कंटिन्यू अपने वीडियो डाल रहे थे। इससे पहले अपने जो दो वोटिंग विभाग थे वो अपने देखिए हैं। आज हम जैसा वोटिंग विभाग पढ़ रहे हैं वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये जो मैदानी प्रदेश है ये काफी उपजाऊ मैदान है, जो कि अरावली के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में विस्तृत है। इसमें अलवर, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, दौसा व धौलपुर जिले शामिल हैं। यहां मुख्य रूप से दोमट व जलोढ़ मृदा पाई जाती है। दोमट और जलोढ़ मृदा पाई जाती है तो ये काफी उपजाऊ मैदान भी है राजस्थान में, और इससे मैदानी प्रदेश में जहां जलोढ़ मृदा दोमट मृदा का बिछाव है उस क्षेत्र में गेहूं, जौ, चना, गन्ना, कपास, तिलहन उस क्षेत्र की या उस मैदानी भाग की मुख्य उपज है। यह जो मुख्यतः बनास और इसकी सहायक नदियां इस क्षेत्र में बहती हैं और जहां बनास, बेड़च और मैनाज नदियां जहां मिलती हैं उसको त्रिवेणी भी कहा जाता है। इस मैदानी प्रदेश में अगर वर्षा की बात करते हैं, जिस पे फसल बनता भी है, इस मैदानी भाग में वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो है 60 से 100 सेंटीमीटर। इस भूभाग को या इस भूभाग के निम्न उपभाग किए गए हैं, जिसमें माही घाटी का मैदान, बनास घाटी का मैदान और चंबल बेसिन शामिल है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से भौतिक प्रदेश में शामिल है, माही घाटी का मैदान हो या बनास घाटी का मैदान है या चंबल बेसिन है, इस प्रकार से इस चीज को पूछ लिया जाता है। तो यहाँ ये जो भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश के भाग है, जहां इसमें बात करते हैं माही घाटी का मैदान, जिसको छप्पन का मैदान भी कहा जाता है, और इसी क्षेत्र को बांगड़ के नाम से भी जाना जाता है, जबकि बांगड़ जो क्षेत्र है वो शेखावाटी का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है छप्पन का मैदान या माही घाटी का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भाग में जो छप्पन गांवों का समूह है वो स्थिति अपनी रखता है। यहाँ एक कांठो का मैदान, ये जो कांठो का मैदान है ये प्रतापगढ़ का संपूर्ण भूभाग इसमें शामिल होता है। कांठल का जो मैदान है इसमें प्रतापगढ़ का जो संपूर्ण भूभाग है वो इसमें शामिल होता है, और ये जो भाग है वो माही नदी के किनारे पर स्थित है। दूसरी बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, बनास घाटी का मैदान, बनास घाटी का जो मैदान है वो अलवर, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सीकर और झुंझुनू जिले इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें बनास घाटी का मैदान है इसके अंतर्गत ये जिले शामिल हैं। नेक्स्ट है नंबर तीन, चंबल बेसिन। चंबल बेसिन यह मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर में स्थित है। इस क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में, चंबल बेसिन में सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं, शमशान होते हैं, बीहड़ पाए जाते हैं, और ये जो यहाँ चंबल की बीहड़ पट्टी है जो कोटा से बारा तक, चंबल की बीहड़ पट्टी है वो है कोटा से बारा तक फैली हुई है, 480 किलोमीटर लंबी बताई गई है। यहाँ 5 से 30 मीटर गहरे खड्डे वाली भूमि को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। 5 से 30 मीटर जो गहरी खड्डे बन जाते हैं उसे स्थानीय भाषा में खादर कहा जाता है।
ऊपर खाबड़ और बिहर डुंगी को, ऊपर खाबड़ ये चंबल बेसिन वाला क्षेत्रीय है, ऊपर खाबड़ और बिहर डुंगी को डांग के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के ये प्रश्न इसमें से बनते हैं। अब आता है जो लास्ट मुख्य विभाग है राजस्थान का, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। हम इसकी बात करते हैं भाई, ये दक्षिण राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और एक भौतिक जो इसला करके आपको नजर आती है वो पठारी भाग है, इसलिए ये हो गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये राज्य के कोटा और बूंदी जिले में फैलावा मुख्य रूप से। अब इसमें फैला हुआ है, इसमें कोटा बूंदी झालावाड़ बाराही शामिल है। राज्य के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है में इसका विस्तार पाया जाता है। काली मृदा का क्षेत्र है, मुख्य जो नदी है क्षेत्र की वो चंबल नदी है। और इसका जो जिले हम बात करते हैं कोटा बूंदी और झालावाड़ बारा, ये इसमें शामिल होते हैं। जो हाड़ोती का पठार है मुख्यतः कोटा और बूंदी जिलों में इसका फैलाव है या फैला हुआ है। विंध्य कगार भूमि, विंध्य कगार भूमि विंध्याचल पर्वत की चलती है भूमि। करौली व धौलपुर जिलों में चंबल व बनास नदियों के मध्य स्थित है। तो ये जो भाग है विंध्य कगार, ये चंबल व बनास नदियों के मध्य की स्थिति है, लेकिन ये बलुआ पत्थर से बना हुआ भाग है। इस पर प्रश्न आता है, ये विंध्य कगार बलुआ पत्थर से बना हुआ भूभाग है, इस पर आपको ध्यान रखना है। दक्कन लावा पठार, यहाँ जो दक्कन लावा पठार है ये पार्वती काली सिंध माही चंबल वाले नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है। दक्कन का लावा पठार लावा से निर्मित है, काला क्षेत्र है, काली मृदा यहाँ पाई जाएगी। मेसा पठार, ये जो मेसा पठार है 620 मीटर ऊंचा पठारी भाग है जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। ये प्रश्न काफी अच्छा है कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो कौन से पठार पर बना हुआ है, वो है मेसा का पठार जिसकी ऊंचाई है 620 मीटर की हम बात करते हैं। उड़िया पठार, उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है। यह आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 1760 मीटर है।